Hey, hi, this is Shruti and welcome to IT classes. Here we provide engineering content. So if you are new, please do subscribe our channel. इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगी मिल्क चिलिंग प्लांट के बारे में. तो मिल्क चिलिंग प्लांट मतलब हम लोग को जो मिल्क आता है वो हमारे पास आने के पहले कौन से प्रोसेस में जाता है, वो कैसे प्रिजर्व किए जाते हैं, पैकेट्स में कैसे बंदा जाता है, ये सारे प्रोसेस यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए. तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि इस प्रोसेस में क्या होता है. तो सबसे पहले, बहुत सालों पहले इंडिया में मिल्क की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके वजह से वाइट रेवोल्यूशन हुआ था. तो जो उसकी वजह से क्या हुआ, रूरल एरियाज़ में बहुत सारे रेफ्रिजरेशन प्लांट बिल्ड किए गए थे और सिटीज़ में पेस्चराइजेशन प्लांट बिल्ड हुए. अभी रेफ्रिजरेशन प्लांट मतलब यहाँ पे इसमें क्या हुआ था, कोई कई छोटे छोटे रूरल एरियाज़ है, उसके आजू बाजू जो भी लोग होते थे जो मिल्क देते लेते थे या फिर छोटे छोटे जगह प्रोवाइड करते थे, तो ये सारे प्लांट्स के जो वर्कर्स थे वो सारा मिल्क कलेक्ट करते थे और वहाँ पे रेफ्रिजरेशन करके सारी रूरल एरियाज़ में उसको बेचते थे. फिर जो पेस्चुरेशन प्लांट है ये सिटीज़ में इंस्टॉल किए गए थे. पेस्चुरेशन प्लांट मतलब यहाँ पे मिल्क बहुत सारे प्रोसेसेस में जाता है और फिर फाइनली जाके पैक होता है. जैसे हम लोग मार्केट से पैक्ड मिल्क की थैली लाते हैं, वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है. तो ये बड़े बड़े सिटीज़ में इंस्टॉल की गई थी ये फैक्ट्रीज. फिर मिल्क चिलिंग प्लांट है, वहाँ पे मिल्क कलेक्ट होता था जो स्मॉल मिल्क प्रोड्यूसर्स होते थे उनके यहाँ से. फिर ये स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी टैंक्स होती थी जिसमें मिल्क रिसीव करते थे, उसको ठंडा करते थे और प्रिजर्व करके रखते थे. तो जब मिल्क उस टैंक में आता था तो सबसे पहला जो फर्स्ट 1 घंटा रहता, 1 आवर होता था, उसको 10 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया करते थे और उसके नेक्स्ट 1 आवर में उसको 4.4 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन करते थे. उसे एकदम से फ्रीज नहीं किया जाता था, बिकॉज अगर एकदम से लो टेम्परेचर पे उसे रख दिया जाता तो वो फ्रीज हो जाता, बर्फ बन जाता उसका, तो वो हमें नहीं चाहिए था. इसलिए हम लोग धीरे धीरे उसको फ्रीज करते थे ताकि वो बहुत सॉलिड ना बन जाए. वही यहाँ पे लिखा है, दिस इज़ नॉट चिल्ड डायरेक्टली टू प्रिवेंट फ्रीजिंग, चिल्ड वाटर सर्कुलेटेड. अभी कभी कभी क्या कर, बहुत सारे प्रोसेस में क्या करते थे, अभी एक टैंक है जिसमें हमने मिल्क फिल किया है, तो अभी इसको ठंडा करने के लिए इसके आउटर पार्ट में, आउटर सरफेस में और एक बड़ा टैंक होता होगा या फिर कुछ भी होता होगा, तो वहाँ पे बहुत ठंडा पानी उसमें सर्कुलेट करते थे, जिसके वजह से हीट एक्सचेंज होती थी और वो जो मिल्क होता था उसका टेम्परेचर लो हो जाता था. तो जो टैंक होता था जिसमें हम लोग मिल्क रखते थे, उसका टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहना चाहिए और जो टैंक मिल्क टेम्परेचर डज नॉट राइज. हाँ, और फिर क्या होता था, जब हम लोग कोई भी गाड़ी से मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करते थे अलग अलग एरियाज़ में, तो कोई कोई एरियाज़ में मिल्क जाने के लिए बहुत टाइम लगता था, तो उसका उसमें कंडीशन थी कि जो मिल्क है उसका टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए विद इन 18 आवर्स ऑफ ट्रैवल. इससे क्या होता था, मिल्क ख़राब हो जाता था अगर वो ये टेम्परेचर एक्सीड करता था, जब वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक लेके जा सकते थे और इसका मैक्सिमम टाइम था 18 आवर्स, वो इससे कम भी हो सकता था. फिर मिल्क स्टैंडर्डाइज फॉर इट्स फैट कंटेंट बिफोर पैस्चुरेशन. अभी ये प्रोसेस होने से पहले एक प्रोसेस होता था जिसमें मिल्क का फैट कंटेंट या फिर सब चेक किया जाता था और फिर ये प्रोसेस होती थी पेस्चराइजेशन. मतलब उसे अलग अलग, उसको पहले कूल करते गर्म करते थे, फिर कूल करते थे, फिर उसको प्लास्टिक बैग्स में पैक करते थे और फिर उसे सेल करने के लिए देते थे. तो फिर इसमें सब एक मेथड थी, उसमें क्या होता था, पहले जो हमारा मिल्क है उसको 62 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट्स के लिए हम लोग बॉयल करते थे. उसके बाद उसको 4.4 डिग्री सेल्सियस का चिल्ड वाटर वो मिल्क के अराउंड फ्लो करवा के उसको ठंडा करते थे. जो वाटर चिलिंग प्लांट होता है ये अलग मेथड है. वाटर चिलिंग प्लांट में क्या होता है, चिल वाटर यूज़ करते हैं हम लोग. वाटर चिलिंग प्लांट यूज़ होता है वाटर चिल करने को, जिसकी वजह से हम लोग मिल्क ठंडा कर सकते, और जो वाटर चिल होता है उसका टेम्परेचर होना चाहिए बिलो 5 डिग्री सेल्सियस. तो ये था मिल्क चिलिंग प्लांट के बारे में. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. हमने ये चैनल पे मैकेनिकल के बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए, तो प्लीज़ आप जाके चेक करना. अगर आपको हमारे लिखे हुए नोट्स चाहिए हो गए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो. इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है.
और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो. तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग.